दोस्तों मैं अमित, आज है 8 नवंबर और आज के सारे महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 50,356 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी अवधि में और 577 लोगों की जान चली गई। वहीं नए आंकड़ों के साथ देश भर में शनिवार को कुल केस 84,62,080 तक पहुँच चुके हैं। यह सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से दी गई है। इसमें दर्ज किए गए कुल कोरोना के मामलों में से 5,16,632 मामले वर्तमान में सक्रिय हैं। वहीं 78,19,886 को छुट्टी दे दी गई है और 1,25,562 लोग महामारी के विरुद्ध लड़ाई हार गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत और हार भले ही मतगणना के दिन 10 नवंबर को तय होगा, लेकिन प्रचार के मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र और महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव सभी नेताओं पर भारी पड़े हैं। हालांकि दोनों गठबंधनों ने इस चुनाव में जमकर चुनाव प्रचार किया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं दिखी और न ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने ही बिहार रुख किया। राजग की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के स्टार प्रचारक नीतीश कुमार और भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जमकर चुनावी सभाएं की। वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रचार का मोर्चा संभाला और 247 सभाएं कर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तेजस्वी यादव ने अकेले 247 जनसभाओं को संबोधित किया और 4 रोड शो भी किए। उन्होंने एक दिन में ही 19 सभाएं की थी। 3 चरणों में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने कई प्रत्याशियों के लिए उस क्षेत्र में 2-2 सभाएं की और मतदाताओं से वोट मांगे। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि देव ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 की जांच कराई थी। अधिकारियों ने बताया कि उनकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई है, जिसमें संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्हें सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देव बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में हुई प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मौजूद थे। उन्होंने शुक्रवार को सिलीगुड़ी में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों बाहुबली नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बाद अब अंडरवर्ल्ड डॉन का नंबर आ गया है। यूपी पुलिस के निशाने पर कुख्यात डॉन अबू सलेम आ गया है। लखनऊ पुलिस इन दिनों अबू सलेम और उसके रिश्तेदारों की लखनऊ में अवैध प्रॉपर्टी की सूची बना रही है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि लखनऊ में वो कौन लोग हैं जिनके बिजनेस में अबू सलेम और उसके भाई अबू जैस ने निवेश कर रखा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को आधार बनाकर साइकिल एक बार फिर पहाड़ चढ़ने की तैयारी में। शुक्रवार को ही समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 22 मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया गया है। आज के समय में ऐसा कोई भी देश या शहर नहीं जहां कोई बड़ी वारदात या हादसा नहीं हुआ है। हर दिन कोई न कोई शिकार हो ही जाता है, जिसके कारण आम जनता के दिलों में डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इन घटनाओं के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके मन में डर और भी बढ़ जाएगा। जी हाँ, आज हम आपको अब तक के सबसे तीव्र गति वाले भूकंप के बारे में बताने जा रहे हैं। इस भूकंप के झटके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शनिवार दोपहर को महसूस हुए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की गति 3.6 रही। सेंटर ने कहा कि इसका केंद्र पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण पूर्व में 143 किलोमीटर पर था, जहां इस बारे में बताया गया कि भूकंप के झटके दोपहर को 12:30 पर महसूस किए गए। वहीं इस बात का पता चला कि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के हानि की खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे राज्य उत्तर प्रदेश में भी हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राज्य के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बीच ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लखनऊ क्षेत्रीय अधिकारी का वेतन तक रोक दिया गया है। लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में पत्र लिखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, साथ ही इसकी जवाबदेही के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी
और आसपास के शहरों में हवा सबसे अधिक दूषित हो गई है। प्रदूषण का लेवल बढ़ने से हवा लगातार जहरीला होता जा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत, अमेरिका और जापान समेत दुनिया के कई बड़े मुल्क बेहद खपा हैं। जमीन से लेकर समुद्र में चीन के बदलते दखल को रोकने के लिए तमाम मुल्क अब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। इसी कड़ी में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर गोवा के तट पर 17 से 20 नवंबर तक मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज विक्रमादित्य और अमेरिका सुपर कैरियर निमित्त जी के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापानी नौसेना के भी दो विध्वंसक शामिल किए जा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार द्वारा रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 24 घंटे की पैरोल देने का मामला सामने आया है। दरअसल यह पैरोल अपने दो शिष्याओं का बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनरिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए दी गई थी। 24 अक्टूबर को दी गई इस पैरोल के दौरान डेरा प्रमुख का बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया। सुनरिया जेल से गुरुग्राम के अस्पताल ले जाते समय डेरा प्रमुख के साथ भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। अस्पताल में आरोपी अपनी मां के पास शाम तक रहा। जेल से अस्पताल तक ले जाने के लिए राम रहीम की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियां तैनात की गई थी। गुरुग्राम पहुंचने पर पुलिस की गाड़ियों को अस्पताल के बेसमेंट में पार्क किया गया और फिर राम रहीम की मां का इलाज चल रहे उस पूरी मंजिला को भी पहले से ही खाली करा दिया गया था। गोलगप्पे का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता हो, खासकर महिलाओं को पानी पूरी काफी पसंद आती है। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको पानी पूरी के ठेले पर लड़कियों और महिलाओं का जमावड़ा आमतौर पर दिख ही जाएगा। किंतु आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसके बाद आप पानी पूरी खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक गोलगप्पे के विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है जो मसाले वाले पानी में शौचालय का पानी मिला रहा था। उसकी यह करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा मिलावटी पानीपुरी का बनाया गया वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पानीपुरी वाला अपने खास स्वाद के लिए शहर भर में मशहूर था। उसका ठेला आमतौर पर कोल्हापुर की रड़कला झील के निकट ही खड़ा होता था। जब स्थानीय लोगों को इस घटना की जानकारी लगी और पानीपुरी के पानी में शौचालय का पानी मिलाने वाला वीडियो मिला तो आक्रोशित भीड़ ने उसके ठेले को तोड़कर फेंक दिया। इसके साथ ही उसका खाने पीने का सामान भी सड़क पर फेंक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अभी साफ नहीं हुए, मगर जीत के करीब पहुंच चुके डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अभी से अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। इस मामले में कमला हैरिस भी उनका साथ दे रही हैं। इन दोनों क्षेत्रों पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव पड़ा है। इस समय बाइडेन को 538 इलेक्ट्रोल कॉलेज वोट में से 264 मिले हैं। उन्हें 270 के जादुई आंकड़े पर पहुंचने के लिए 6 और वोट आवश्यकता है। ऐसा होते ही वे देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ चुके इसरो ने शनिवार को एक और इतिहास रच दिया। प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV C-49 को 10 ग्रहों के साथ लॉन्च किया गया है। 3:12 पर इसे लॉन्च किया गया। पहले इसे 3:02 पर लॉन्च किया जाना था। जिन उपग्रहों को लॉन्च किया गया उनमें भारत का 1 और 9 अंतर्राष्ट्रीय विदेशी उपग्रह शामिल है। गुजरात में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शाम 3:39 पर भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी गुजरात के भरूच, सूरत और अंकलेश्वर के इलाकों में भूकंप आया है जिससे हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग सेशन कोर्ट ने शनिवार को वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल अर्णव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनको अलीबाग CGM कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। CGM कोर्ट के इस फैसले को पुलिस ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ के लिए अर्णव गोस्वामी को पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए था। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।